अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम पूना गोट फार्म। ये वीडियो में हम लोग कुछ बड़ी साइज़ के बकरे देखने वाले हैं, मिक्स ऑफ गोट्स है। इसमें आपको बोर दिखेंगे, सिरोही हैं, इसमें कोटा है, सोजत के बच्चे हैं, हैवी वेट कुछ बच्चे हैं इसमें, पंजाब देखें आप, बहुत बड़ा पंजाब है इसमें। तो ये सारे बकरे हम देखने वाले हैं, ये एक ही वीडियो में आपको हम सारे बकरे दिखाएंगे। सो सर, इसके अंदर जितने भी बकरे हैं ये अगेन अपने होम ब्रीड के और मिक्स बकरे हैं ना? ये मेरा मेजॉरिटी होम ब्रीड है। अच्छा, थोड़ा बहुत बाहर का रहता है। ज्यादातर इसमें खस्सी कर दिए हुए हैं ना? ये पूरे खस्सी है। ओके, तो रहेगा। ये बोर भी खस्सी है। ये जो बड़ा बकरा है ये बोर क्रॉस ही है ना? कौन सा बड़ा बकरा जो है आगे गया जो? नहीं, वो बीटेल। ओके, जो बड़ा है वो बीटेल है, वो अपना नहीं है। तो इनको परचेसिंग का क्या सिस्टम होगा सर? ये सर हम लोग अपना कुर्बानी के रेट जो मैंने 500 रुपए किलो बोला जी, उसके हिसाब से देते हैं। कोई भी इसमें बकरा हो? हाँ, कोई भी, सिरोही, सोजत। मेरा नहीं, अभी ये तो कोई बोर क्रॉस अभी हो गया। अच्छा, हाँ, तो ये ले सकते हैं हम लोग 500 रुपए के जी। लेकिन इसका बहुत अभी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जी। धीरे धीरे, लास्ट टाइम मैंने देखा था आपके पास में जो क्रॉस बच्चे एकदम गोल गोल बच्चे जो मैंने देखे थे, वो हो गए। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ओके, मैं अभी, हाँ, उसको होने के लिए आपको फरवरी में आना पड़ेगा वापस, मैं बुलाता हूँ आपको जी। तो ये अभी कैसा है कि कुर्बानी होके गई ना, अभी जो बड़े बच्चे होते हैं बिक गए। तो इसके अंदर कुछ बोर के बच्चे भी हैं? बोर है ना, तो वो भी वही रेट में है क्या इसमें? हाँ, वही रेट में खस्ती किया तो वही रेट में, वही रेट अंडुल रहेगा तो उसका रेट अलग रहेगा, रेट अलग रहेगा, क्योंकि वो एज अ ब्रीडर क्वालिटी फिर बिकेगा। जैसे क्या होता है सर, हाँ, बोर का क्या होता है, अंडुल हर आदमी नहीं संभाल सकता जी, वो संभालने के लिए उसका वही रहता है। अभी कैसा होता है कि ये सामने वाला एक अंडुल है, ये वाला बड़ा, ये अंडुल है, ये हमारा ब्रीडर है, तो इसको हमने रखा है इधर। जबरदस्त बकरा माशा, ये खस्सी है, देखो ये खस्सी है। खस्सी का क्या रहता है, सतत नहीं, तो आप घर में भी रख सकते हो। सही है, अंडुल जो रहेगा तो अंडुल ये नहीं करेंगे। तो ये 500 रुपीज पर केजी में लेके सामने वाला देखो रख सकते हैं। इसका एक अलग ही ये जाएगा, ये अलग ही जाएगा, इसका वजन भी अच्छा गेन होगा, बकरा भी अच्छा बनेगा। लेके हम लोग यहीं पलाई पे रख सकते हैं या तो वेट ऑन डिलीवरी। मेरे पास छोड़ने का फायदा क्या है कि आपको वेट गेन अच्छा मिले जी। अगर आप भी आपके घर में खिलाएंगे, क्योंकि क्या होता है, मेरा तो पूरा माल होलसेल से आता है जी। घर में क्या होता है, आपको इसका आता है, रिटेल में लेना होगा। बोर क्रॉस का दिखाइए ना, एक दो बच्चा उनको हम लोग जो बोलते हैं ना, जिसको गोट फार्मिंग करना है उसको बोर क्रॉस का दिखाना है। तो बोर क्रॉस का क्या होता है कि ये काला दिखाओ, हाँ दिखाओ उसका, ये देखो इसका, ये 80 किलो पे गया, अभी कुर्बानी के टाइम बहुत छोटा था, तो आने वाली कुर्बानी में तो ये 100 क्रॉस कर देगा, ये जो आप देखे थे ना लास्ट टाइम बड़ा वाला, तो ये उसी स्टाइल का है बराबर। ये अभी इसका बहुत छोटा बच्चा था, अभी कुर्बानी के बाद ये 4-5 महीने में इतना बड़ा हो गया, बहुत अभी 50-55 का रहेगा ये, अभी मेरे हिसाब से 80-90 आराम से जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट टाइम वो भराई के बकरे हो। नहीं ना, अपना पास इतने गोल हो गए थे। सर इसमें क्या होता है कि अगर खाने में, हाँ, बकरे के खाने में जी अगर फैट परसेंटेज प्रॉपर मॉनिटर करते हो जी, तो आपको भराई जैसा बकरा दिख रहा है। वाह, ये बीटल अपना नहीं है, दूसरे का है जी, इसने ऑलरेडी कितना 42 हाइट के अनारे, 42 क्या जबरदस्त हाइट है, दो दांत पे वजन भी उसका बढ़ गया ना, अपने पास आया तो बहुत छोटा था, मेरे दोस्त का बच्चा जी। तो इसमें जो भी खस्सी बकरे 500 रुपीज़ पर केजी से ले सकते हैं, लेके जा भी सकते हैं या पलाई पे भी रख सकते हैं। वो सामने वाला दिखाओ रशीद, वो ब्लैक एंड वाइट, ये देखो इसकी खूबसूरती देखो, ये बोर क्रॉस का। और ये वाले बकरों पे भी वेट ऑन डिलीवरी मिलेगी सर? हाँ सर, हाँ अभी आया, देखो ये देखो, ये जो है ना इसका एक अलग ही है, और कलर कॉम्बिनेशन रशीद, वो ये लाल वाला लेकर अपना कलर कॉम्बिनेशन लेकर गया ना, वो अपना कलर कॉम्बिनेशन के लिए सबसे बोर क्रॉस हम लोग क्यों बोलते हैं, ज्यादा व्हाइट है, भराई टाइप आने लगा, देखो बिल्कुल बगल बगल आ गई उसकी, उसको आ गई
इसको इसको दिखाओ, ये देखो कलर का, कलर किसको बोलते हैं, ये अलग ही है अभी देखो, ये भी अभी हो गया, छोटा बच्चा था हो गया बड़ा, तो अभी ये हो जाएगा, इसको अभी दांत नहीं रहेगा। अच्छा, ये अभी अदन बच्चा है, अभी बहुत ही खूबसूरत वो हो गया, उसका ये वेट गेन चालू हो गया। तो आपका फीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ, सबसे प्रॉब्लम प्रोटीन फैट परसेंटेज मॉनिटर करना पड़ता है आपको, इसलिए हमारे यहाँ हर बकरा जो है ना भराई टाइप दिखता है, उसको एक बेली आती है। अभी ये बकरों को बेली नहीं है, इसका कारण ऐसे कि बारिश के टाइम में मैंने थोड़ा खाना इनका कम किया था, क्योंकि बीमारी ज़्यादा था। सही है, वो भी आपको पता है। तो बीमारी अभी इनका फुल फीडिंग चालू हो गया है, फुल फीडिंग की वजह से इनको ढेरी आ रही है। तो किसी को भी आना है सर, तो आके ही चूज करना ज़्यादा वो बेटर रहता है। बेटर क्या होता है कि हम लोग वीडियो पे देंगे, उनको बच्चा पसंद नहीं आया तो हमको बोलेंगे कि तो फंसाया जी, ये हम लोग नहीं चाहते। और अगर कोई इसमें से ब्रीडर भी लेना चाहता है तो भी ब्रीडर आके देख सकते हैं, अपने पास बोर के ब्रीडर है, ये जो सामने दिख रहा है ये है, बहुत ही अच्छा। बोर का ब्रीडर क्या होता है फायदा कि बोर का वो ब्रीडिंग करते है, उसके बाद में उसको कुर्बानी में बेचे तो पैसा जगह पे आता है, जगह पे आ जाता है। सही है, इसमें कोटा भी कुछ है तो ये भी खस्सी है? नहीं, उसमें एक दो तीन कोटा अंडुल है जी, उनको खस्सी अभी किया नहीं। तो क्या होता है, लोग मांगने ब्रीडर के लिए मांगने के लिए आते हैं ना जी, कोटा का आजकल थोड़ा क्रेज है तो कोटा थोड़ा रखना पड़ता है। सही है, सो ये वीडियो भी हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, एंड इसके बाद में हम क्या देखेंगे, सोजत के भी काफ़ी बच्चे हैं कुर्बानी के रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। एंड नंबर्स, आपका एड्रेस और आपके ट्रेनिंग के डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है सर।